अलकुम मैं हूँ मुख्तार अहमद वर्ची यूनिवर्सिटी के कोर्स ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के साथ जिसका कोड है एम जी टी फाइव जीरो वन और आज हम अपने लेक्चर नंबर ट्वेंटी के साथ यहाँ पे हैं आई होप कि यू आर पिकिंग अप नाउ एंड यू रिमेम्बर दैट वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड अवर हायरिंग प्रोसेस और हायरिंग प्रोसेस में रिक्रूटमेंट को समझने के बाद सिंस लास्ट टू लेक्चर्स वी आर नाउ ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द सिलेक्शन प्रोसेस सिलेक्शन प्रोसेस में भी बहुत सारे स्टेप थे तो आज का सेशन शुरू करते हैं तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इसको रीड किया है अपने टेक्स्ट में से जो रेलिवेंट चैप्टर्स से उनको पढ़ा है तो विद दिस होप Let's start our today's session. So let's start our today's session. and as usual, we have to go back and review our previous lecture. Lecture number 19. And again in lecture number 19, we were discussing the selection process. Or kuch, just subtopics they will ंडरस्टैंड करने की कोशिश की गई थी इफ यू रिकॉल वी स्टार्टेड आवर हायरिंग प्रोसेस एंड दैट हायरिंग प्रोसेस वॉज आप थ्री पार्ट्स थ्री कॉम्पोनेट्स दैट वॉज रिक्रूटमेंट सेलेक्शन एंड सोशलाइजेशन वी आव ऑलरेडी कवर्ड आवर रिक्रूटमेंट पार्ट एंड मोस्ट ऑफ दिलेक्शन पार्ट टू और लास्ट लेक्चर में हमने सेलेक्शन पार्ट्स के कुछ कॉम्पोनेंट को डिस्कस किया था वो क्या थे थर्ड जो उसकी ता, सब टॉपिक था दैट वाज एम्प्लॉयमेंट टेस्ट कि किस तरह टेस्टिंग करनी है उनकी कौन कौन से टाइप ऑफ टेस्ट यूज करते हैं और उसी किस्म की और चीज़ें भी और इसी के अंदर हमने बेसिक टेस्टिंग कॉन्सेप्ट जिसमें रैबिलिटी वैलिडिटी ऑफ द टेस्ट इज कंसर्न वी हैव टू ट्राई टू डिस्कस दो बेसिक कंसेप्ट ऑफ एनी काइंड ऑफ टेस्ट एंड देन आफ्टर दैट वी आल्सो कवर्ड

By the way, why do organizations go for all these testing techniques? Again, they have to make the judgment. And judgment about what? Remember the basic definition of selection process? Not about personality, but the creating the match. Always keep in your mind while आर डी आर डिस्कसिंग अबाउट दी एच आर सिलेक्शन प्रोसेस तो टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट टेस्ट भी हमने डिस्कस किए उसके बाद एन अदर टॉपिक ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस वेरी इंपॉर्टेंट वॉज अ इंटरव्यूज जॉब इंटरव्यूज उसके अंदर हमने मुख्तलि किस्मों के इंटरव्यूज की बात की एंड वी आल्सो डिस्कस द गाइड टू कंडक्ट ए प्रॉपर इंटरव्यू जिसमें हमने बताया कि आपको प्रिपेयर होके जाना चाहिए किस किस्म के आपने क्वेश्चन पूछने हैं इन सारी चीजों को भी हमने वी ट्राई टू कवर इन दैट टॉपिक उसके बाद yes common mistakes we can see while conducting the interviews point it is not necessary that you use the same word by word thing but it should at least the concept should be same तो उसमें स्नैपशॉट्स, क्विक डिसीज़न जो लेते जाते हैं स्नैप जजमेंट जिसको कहते हैं ब्रदर, दैट कैन बी वन मिस्टेक इफ यू हैव स्टीरियोटाइप्स थिंग्स इफ यू हैव प्रीवियस नॉलेज अबाउट दैट कैंडिडेट ए पर्टिकुलर कैंडिडेट पॉजिटिव और नेगेटिव एंड सो ऑन वी हैव टू रिमेंबर हेयर दैट नॉट ओनली we have to pick the right person but we have to give other people the fair chance people who are competing for a particular job so another law it is also required no favoritism no biasness because here the interest of not only the organization is to be looked after but of the persons or employees who are our candidate who are applying, not only candidate, but of course the society. We are responsible, responsible to our society too. So these things should also be kept in your mind while being involved in such activities. Let us move forward and see what we are supposed to cover today. And remember, we are still in the selection process. तो हमने शुरू किया था पहले चंद जो मेन स्टेप्स थे वो तो हमने पढ़ लिए समझ लिए लाइक इनिशियल स्टार्टिंग विद इनिशियल स्क्रीनिंग फिर एप्लीकेशन फॉर्म अ ब्लैंक एप्लीकेशन ब्लैंक जिसको कहते हैं वो टॉपिक भी हमने कवर किया एंड ऑफ कोर्स देन द टेस्ट एंड इंटरव्यू नाउ लेट्स सी वट इज द नेक्स्ट पांचवा स्टेप of the selection process is background investigation why are you are concerned why are you are worried about background of the candidate who is interested to join your organization you want to see that whether those information which are given to you in the form of application form or application blank they are accurate they are up to the mark and exactly what it is written there, it is like that. We are a human being, and it is also logical, or not sometime normal, that people, when they are writing about themselves, they want to put extra there. For that purpose, you can also.

उसका एक्सपोजर कितना ज़्यादा है और साथ साथ आप ये भी इंटरेस्टेड होते हैं वो इंफॉर्मेशन लेने के कि यू कैन लेटर ऑन चेक वन यू डूइंग द बैकग्राउंड वेरिफिकेशन दैट वट काइंड ऑफ परफॉर्मेंस वॉज देयर वैन ही वॉज वर्किंग देयर हाउ गुड ही और शी इज एज ए टीम मेंबर आप उसके ना सिर्फ स्किल्स और एबिलिटीज़ और उनमें इंटरेस्टेड होते हैं बल्कि उसका ह्यूमन जो ह्यूमन पार्ट है ह्यूमन रिलेशन पार्ट जो है यू आर ऑल्सो इंटरेस्टेड देयर बिकॉज ही आर शी विल बी ज्वाइनिंग योर टीम एंड अल्टीमेटली ए मेंबर ऑफ योर टीम एंड यू वांट ए गुड पर्सन टू बी योर मेंबर ऑफ मेंबर ऑफ योर टीम तो दैट इज़ आल्सो वन रीज़न कि आप उसके जो प्रीवियस एम्प्लायज होते हैं जिनके साथ उसने पहले काम किया होता है उनसे भी आप कॉन्टैक्ट करके उनसे वेरीफाई करते हैं उनसे आइडियाज लेते हैं उनसे फीडबैक लेते हैं कि व्हाट ऑफ पर्सन ही शी इज़ देयर वर्किंग देयर। उसके बाद इवन टाइम ऑर्गेनाइजेशन डू कंटेक्ट द रेफरेंस टू आप देखते हैं कि जब भी आप सीवी बनाते हो या अपने रिज्यूमे में देखते हैं तो एंड पे लिखा होता है रेफरेंस का एक कॉलम होता है उस रेफरेंस के अंदर यू गिव वन टू थ्री डिफरेंट नेम्स और मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि अमूमन रेफरेंस में आप अपने प्रीवियस जो बॉस होते हैं आपके जो आप एग्जेक्टिव होते हैं उनका नाम देते हैं या जो आपके टीचर्स होते हैं या एनी प्रोफेशनल इन योर फील्ड हु नो यू एज प्रोफेशनल सो दैट वन एवर द पोटेंशियल ऑर्गेनाइजेशन दे वॉन्ट टू चेक वेरीफाई अबाउट योर प्रोफेशनल एबिलिटीज

कि आपने एक कॉलम ये भी तो फिल किया एजुकेशन के बारे में कि मैंने फला फला इंस्टीट्यूशन को पढ़ा है एंड आई हैव सच एंड सच डिग्रीज आर सर्टिफिकेशन सो अग्नेशन वांट टू मेक श्योर दैट ऑल दोज इंफॉर्मेशन आर एक्यूरेट एंड अप टू द मार्क नाउ इवन दे कैन गो फॉर योर क्रीडेंशल्स वेरिफिकेशन डिग्रीज सर्टिफिकेशन कोई भी है उसको आप उन कंसर्न इंस्टीट्यूशन से यूनिवर्सिटीज से बोर्ड से वेरीफाई करवाते हैं आजकल तो वैसे भी फेक चीजें बड़ी आसानी से बन जाती हैं एंड इवन इन द मार्केट यू कैन फाइंड लॉट ऑफ पीपल दे डू प्रैक्टिस एज ए बेडिस डॉक्टर होते हैं लेकिन होते हैं नहीं अपने आप को प्रोफेसर कहते हैं पीएचडी होते हैं बट अमूमन हम हमें देखा गया कि ऐसे लोग भी आपकी सोसाइटी में मौजूद हैं इवन जब स्टूडेंट अप्लाई करते हैं यूनिवर्सिटीज के अंदर और हम जब यूनिवर्सिटीज में वेरिफिकेशन करवाते हैं तो समाइम यू माइट पिक वन आर टू पर्सन हु हैव द फेक डॉक्यूमेंटेश तो उस चीज को दो के इट इज वेरी दे आर वेरी फ्यू इन दोसाइटी बट स्टिल दे आर देयर एंड वाइट टू टेक रिस्क सो फॉर देट पर्पज यू आल्सो गो एंड गो फॉर verification of their education background and sometime like in pakistan some organization might have this legal requirement and of course it is a legal requirement to that a person must be pakistani to apply for certain jobs इसका यह मतलब नहीं कि फॉरन नेशन आपके पास काम नहीं कर सकते बट फॉर दोज यू रिक्वायर्ड ए सेपरेट ए स्पेसिफिक प्रोसीजर इज देयर यू हैव टू गेट परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट सो यू हैव टू मेक श्योर दैट लीगली दैट पर्सन इज अलाउड टू वर्क इन यूर कंट्री इन यूर ऑर्गेनाइजेशन दैट इज ऑल्सो फॉर दैट पर्पज यू हैव टू चेक एंड वेरीफाई हमारे यहाँ जिसरा आई डी कार्ड पाकिस्तानी सिटीजन है उसके बाद आईडी कार्ड होना चाहिए या अगर फॉरेन नेशन है तो आपके पास होम मिनिस्ट्री की परमिशन होनी चाहिए गवर्नमेंट की परमिशन होनी चाहिए उसके पास कि ही या शी इज अलाउड टू वर्क इन पाकिस्तान तो लीगल स्टेटस टू तो वर्क इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू हैव टू वेरीफाई दिस टू वैन यू आर डूइंग दी बैकग्राउंड चेक ऑनेस्टी और बाकी चीज़ों के लिए क्रेडिट हिस्ट्री भी एक तरीका है हमारे यहाँ तो अभी रिसेंटली ये शुरू हुआ है क्रेडिट कार्ड सिस्टम वगैरह लेकिन बाहर की दुनिया में बाकी कंट्रीज़ में जितना बिजनेस हो रहा होता है जितनी एक्टिव फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ हो रही थी थी तो अमूमन क्रेडिट कार्ड के जरिए लोग करते हैं तो वहाँ पे और आपकी टैक्स में भी इसीलिए लिखा हुआ है इट इज़ आल्सो नेसेसरी टू चेक हिज़ क्रेडिट हिस्ट्री और उसमें ज़रूरी नहीं है कि आप एक स्पेसिफिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आप कॉन्टैक्ट करेंगे बल्कि वहाँ पर ऐसी एजेंसीज हैं ऐसे अदारे हैं जो आपको क्रेडिट हिस्ट्री भी प्रोवाइड करते हैं ऑन द पेमेंट ऑफ यस ऑन पेमेंट दे विल गेट द क्रेडिट हिस्ट्री ऑफ एनी पर्सन सिमिलरली क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हमारे यहाँ भी अब माशाल्लाह डॉक्यूमेंटेशन अच्छी तरह हो रही है और बाहर तो जो ड्राइविंग लाइसेंस या आपका आईडी कार्ड होता है That itself is a complete record about a person. activities are database. You go anywhere, they will just slide or scan your ID card number, and they will get everything about you. Similarly, in our country, we have now we, our government is also developing different kind of databases where. ल सच इंफॉर्मेशन विल बी अवेलेबल अबाउट ए पर्सन तो उसमें उसके क्रिमिनल रिकॉर्ड भी इवन आपके जो ड्राइविंग जो आपको चलान होते हैं या आपके कुछ इस तरह की एक्टिविटी वो भी रिकॉर्ड उस पर होता है तो सी ए पर्सन ए पर्सन दीज टाइप ऑफ इंफॉर्मेश आर आल्सो गुड वाइल यूर डूइंग द बैकग्राउंड चैकिंग एंड हुट

इन्वेस्टिगेटर जिसे कहते हैं एंड ऑफ़ कोर्स इट विल बी एक्सपेंसिव बट दे विल प्रोवाइड यू थारो इन्वेस्टिगेशन थारो इंफॉर्मेशन दे दो देयर ओन कंटेक्ट सिस्टम्स, वो मैक्सिमम इंफॉर्मेशन ला के आपको दे सकेंगे बट अगेन इट इज देर इज बी ए ट्रेड ऑफ इट विल यू मोर बट नो हार्म ऑफ पेइंग एक्स्ट्रा हेयर एट दिस स्टेज rather than having a wrong person in your organization so you can use internal sources or external sources you can have your own hr people they can go and do the investigation or you can hire a third party who will do that job for you and again why you are putting extra effort why you are concerned

वेटेज अन देर रिज्यूम एंड दैट इज रॉन्ग दे आर मिस रीडिंग सो बिकॉज दे वॉन्ट टू एग्जैचुरेट वो इंप्रेशन बढ़ाना चाहते हैं अपने बारे में तो ऑर्गेनाइजेशन वेरी केयरफुल दैट इज वन रीजन दैट यू शुड ऑल्सो गो एंड डू द बैकग्राउंड वेरीफिकेशन और उमून ऐसे भी होता है कि वो वहां पर एक लो प्रोफाइल की जॉब कर रहे होते हैं लेकिन लिखते हैं अपने आप को एग्जैक्टिव है उसी तरह की बहुत सारी चीजें एग्जैजेशन में आती हैं इनको भी चेक कर लेना चाहिए और फिर एक्यूरेसी देखना चाहते हैं आप तो फैक्चुअल पोजीशन देखना चाहते हैं जो इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की है एप्लीकेंट ने हाउ एक्यूरेट दे आर एंड यू कैन ऑल्सो ड्यूरिंग दैट टाइम ड्यूरिंग दिस बैकग्राउंड वेरिफिकेशन यू माइट अनकवर सम डैमेजिंग बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन जैसे क्रिमिनल रिकॉर्ड है जहां प्रीवियस कहीं काम कर रहा था वो किसी से लड़के आया था झगड़ के आया था उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करके आया है इन्वॉल्व इन समर्ट एक्टिविटीज टर्मिनेशन कहीं से हुई है उसकी एंड ऑल दीज थिंग्स do reflect the personality characteristics or behavior of that particular applicant so that is also one reason that people go for background checking then documentation proper is you want to have complete record about your potential employees. so that next time if you have if something went wrong इवन लोग कल कोर्स के चक्कर में पड़ जाते हैं आपस में कुछ ग्रेविसेस हो जाते हैं तो यू मस्ट हैव कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ दैट पर्सन बिकॉज यू आर डीलिंग विद पीपल नेक्स्ट स्टेप यू हैव आर नाउ आल रेडी चेक द बैकग्राउंड इन एवरी इफ एवरी थिंग इज फाइन तो लॉजिकली नाउ यू शुड गिव हिम आर हर ऑफर ऑफकोर्स इट विल बी

न्यू गेनाइजेशन फॉर सर्टन जॉब आपने उसमें से इनिशियल स्क्रीनिंग कर ली तो कुछ लोग शार्ट लिस्ट हो गए नेक्स्ट स्टेप में आपने टेस्ट कर लिया और टेस्ट में से भी आपने शार्ट लिस्ट कर लिया फिर आपने इंटरव्यू कंडक्ट किए और सारे प्रोसेस से गुजरते हुए फाइनली यू आर एबल टू पिक वन टू थ्री पर्सनस के नंबर वन पे ये हैं नंबर टू पे ये है नंबर थ्री पे ये नाउ वो जो नंबर वन थे उनकी आपने बैकग्राउंड चेक भी कर लिया एवरीथिंग इज फाइन एज पर इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय हिम हिमरहर तो अब आपने उनको जॉब ऑफर कर दी कि ठीक है ये आपको कंडीशनल जॉब ऑफर कर रहे हैं आप और वो सब्जेक्ट टू फिजिकल एग्जामिनेशन के होगी कंफर्म और अमूमन ये एच डिपार्टमेंट करता है कि आपसे कहता है कि यस हमारी ऑर्गेनाइजेशन इज विलिंग टू हायर यू अनसर्च एंड सच अन सच एंड सच टर्म्स एंड कंडीशंस और फिर और साथ ये भी बताया जाता है कि इट इज डिपेंडिंग ऑन योर मेडिकल एंड ड्रग रिपोर्ट तो उसके बाद लॉजिकली विल गो फॉर द फिजिकल एग्जाम्स अब फिजिकल एग्जाम्स में आपने क्या देखना है दिस इज ओनली यूज टू आइडेंटिफाई पीपल फिजिकली इफ देयर सर्टन प्रॉब्लम विद हेम आर हर विच विल हैंडल हेज परफॉर्मेंस आर वर्क इन योर ऑर्गेनाइजेशन क्या कोई ऐसी उनको प्रॉब्लम तो नहीं कि जो उसकी काम की रिक्वायरमेंट है उसमें हर्डल क्रिएट करे लाइक कोई टाइपिंग के लिए आपने आपके पास रखना है तो क्या उनकी खुदा न खास्ता कुछ हाथों में कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं है कि वो टाइप ही नहीं कर सकते और जैसे मैंने आपसे कहा था कि कुछ ऐसी जॉब है जहां पे आपको आपका वी यू नीड परफेक्ट वी एन सिक्स बाई सिक्स और फिर यह भी देखा जाता है ऑफकोर्स इन सम कंट्रीज आर इन सम रीजन्स दे हैव डिफरेंट लॉज फॉर लेकिन जनरली ये कोशिश की जाती है कि देखा जाए कि खुदा ना खास तक ऐसी कोई डिजीज उनको तो नहीं है जो दूसरे जो जो उसके साथ काम कर रहे हैं उनमें ट्रांसफर हो सकती है उसकी प्रेजेंस की वजह से वहां काम करने की वजह से एंड दैट माइट क्रिएट प्रॉब्लम इन योर ऑर्गेनाइजेशन बट द बॉटम लाइन इज अफकोर्स आल्सो फॉर द हेल्थ इंश्योरेंस टाइप ऑफ थिंग्स क्योंकि अब लीगली आर्गेनाइजेशन और कंपनी हैज़ टू प्रोवाइड हेल्थ फैसिलिटी टू दियर एम्प्लाइज टू और अगर तो आपकी वो कंपनी आर्गेनाइजेशन के ने किसी हेल्थ इंश्योरेंस के साथ बात की हुई है तो इंश्योरेंस के लोग भी बड़े कंसर्न होते हैं कि ऐसा तो नहीं कि डिजीज़ लेके वो अपने साथ आ रहे हैं तो इट विल बिकम मोर लाइबिलिटी इट विल क्रिएट मोर लाइबिलिटी फॉर द इंश्योरेंस एंड अफकोर्स वॉल द कंपनी तो इसके लिए भी मेडिकल टेस्ट और ये चीजें कराई जाती हैं एंड ऑफकोर्स ड्रग टेस्टिंग आजकल अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू सर्ट रीजन पीपल माइट बी यूजिंग ड्रग्स कोर्स द प्रेशर द स्ट्रेस ऑन लाइफ वट इज नॉट अ रीजन के वी शुड पीपल शुड थिंक ऑफ गोइंग फॉर यूजिंग ड्रग्स इसका नुकसान क्या है कि वो उनका बिहेवियर पर भी बहुत बड़ा असर पड़ेगा वो इंटरनली वीक लोग होते हैं और स्ट्रेस और उन ड्रग्स की वजह से दे माइट क्रिएट प्रॉब्लम उनका जो मूड है स्टाइल है वो डिफरेंट होता है छोटी सी बात पे वो एकदम इमोशनल हो जाते हैं दे फाइट विथ पीपल दे क्रिएट प्रॉब्लम फॉर ऑर्गेनाइजेशन एंड लीगली इट इज आल्सो अगेंस्ट द लॉ सो यू कैन ऑल्सो गो फॉर ड्रग टेस्टिंग वेदर he or she is using any kind of drug or not. When all when is done, and I ho hopefully, luckily everything is clear, so what next? That is the final stage. Yes? You will offer him or her the permanent position. And here it depends again, vary from organization to organization. लोग कुछ अरसे के लिए लोगों को प्रोबेशन उसे प्रोबेशन पीरियड कहते हैं कि ड्यूरिंग दैट टाइम इफ आर्गनाइेशन फील कि यू आर नॉट बेस्ट मैच दे कैन फायर यू विदाउट आस्किंग एनी क्वेश्चन एंड यू हैव एनी लीगल राइट सिक्स मंथ थ्री मंथ वन ईयर इवन टू ईयर डिपेंडिंग ऑन ऑर्गेनाइजन टू ऑर्गेनाइशन दुट देू एंप्लाइज ऑन प्रोवेशन और कॉन्टैक्ट में लिखा जाता है कि आपकी जॉब इनिशियली छ माह के लिए तीन माह के लिए एक साल के लिए दो साल के वट एवर टाइम फ्रेम उन्होंने डिसाइड किया ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे कि यू आर ऑन प्रोफेशन एंड इफ यू वर्क इज नॉट सेटिस्फैक्ट्री इफ यू आर नॉट परफॉर्मिंग एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन यू विल बी आज टू लीव विद नो लाइबिलिटीज ऑन ऑर्गेनाइजेशन नो लीगल प्रोटेक्शन और जब वो प्रोफेशन पूरी हो जाती है तो फिर यू समाइम इट अगेन जैसे मैंने आपसे कहा कि ऑर्गेनाइजन को ऑर्गेनाइजन वेरी कर रही होती है कुछ ऑर्गेइजेशन कंट्रेट बेस पे अपॉइंटमेंट्स कराती हैं कुछ ऑर्गेनाइजन है वो एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए आग, आपको हायर करती हैं और ऑफ कोर्स कुछ लोग आर लेट लाइक गवर्नमेंट सेक्टर दे हैव ए लॉन्ग टर्म हायरिंग प्रोसीजर तो फिर परमेंट जॉब आप उनको ऑफर करते हैं और ये कौन करता है नाउ द कंसर्न डिपार्टमेंट विल ऑफर यू बिकॉज नाउ इट इज दर रिस्पॉन्सिबिलिटी

तो फिर वहाँ पे ये डिसीजन होता है और फाइनल ऑफर ऑफर दी जाती है बट इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एच आर डिपार्टमेंट कि दे शुड गिव दैम द जॉब ऑफर वो जो डॉक्यूमेंटेशन वगैरह सारी वो एच आर डिपार्टमेंट करता है बट अगेन रिमेंबर दैट वन वी आर टॉकिंग अबाउट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट तो हमने पर्सनल डिपार्टमेंट एच आर डिपार्टमेंट एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइजेशन साइज के हिसाब से देखा था कि छोटी ऑर्गेनाइजेशन है तो फिर एचआर डिपार्टमेंट कैसा होता है मीडियम साइज और लार्ज साइज है तो छोटे डिपार्टमेंट छोटी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो एक ही मैनेजर सारे काम कर रहा होता है एक ही जो ऑफिस है वही सारा कुछ करेगा एंड अगेन इट वेरी फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन एंड कल्चर टू कल्चर सो दैट वॉज ऑल अबाउट आवर सिलेक्शन पार्ट सिलेक्शन प्रोसीजर before we should go to our next step of our hiring process that is socialization let's see if you have to hire a manager level position or you have to hire people for the manager job what option can you have or especially आजकल when we are talking about that world has become a global village so today, you have to aaj ke mein aapke options and people or organization go for best while hiring at management level you can have three options you can select a person from the parent nations a parent country nation or just we are talking about globalization so organization can have different setups they can have setup in their own country they can have setup in another country let's see a kadarekas to setup a advocacy second country kadarevaya यूए मे बी कैनेडा मे बी इन फ्रांस मे बी इन समूके तो आपके पास क्या चॉइस है अपने वहां के लिए एक मैनेजर हायर करना है तो एक तो ये हो सकता है कि अपनी कंट्री से किसी को ले जाके वहां भेज दें पिक करके सेलेक्ट करके ऑफ कोर्स। दूसरा तरीका क्या है कि होस्ट कंट्री नेशन के वहीं से जहां पर आपका वो सेटअप है वहां से किसी को एग्जैक्ट पोजिशन के लिए टॉप पोजिशन को लिए वहाँ के सेटअप के लिए हायर कर लें एंड थर्ड ऑप्शन कैन बी थर्ड कंट्री नेशन ना होस्ट से लें ना पेरेंट से लें किसी थर्ड कंट्री का नेशन लें उसको वहाँ पे प्लेस कर दें एंड ईच ऑप्शन कैन हैव एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस लेट्स गो थ्रू द एडवांटेजेज एंड एडवांटेजेस लेट्स स्टार्ट विद अवर फर्स्ट ऑप्शन पेरेंट कंट्रीज नेशन जैसे मैंने आपसे कहा कि पाकिस्तानी एक कंपनी है उसने अपना ऑफिस यू में खोला यूके में खोला कहीं भी नाउ दे हैव टू पिक ए पर्सन फॉर द मैनेजमेंट पोजिशन जॉब सो देव डिस दी पेड दे वॉन्ट ए पाकिस्तान ही फ्रॉम पाकिस्तान टू सेंड हिम एज ए मैनेजर देयर इसके फायदे क्या इफ यू आर सेंडिंग ए पर्सन फ्रॉम हेयर फ्रॉम विद इन योर ऑर्गेनाइजेशन वॉट इज गोइंग टू हैपन यू कैन हैव मोर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बिकॉज द पर्सन इज फ्रॉम योर इन ऑलरेडी नो द सिस्टम फ्रॉम यूर ओन ऑर्गेनाइजेशन ही शी नो दिस्टम सो द कोर्डिनेशन एंड कंट्रोल विल बी ईजी बेग टाइम बेग एडवाटेज यू आर गिविंग चांसिस टू योर ओन इंप्लाइज और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यह भी एक इंसेंटिव होता है कि लोग कहते हैं कि हमें फॉरन एक्सपीरियंस मिलेगा हमें इंटरनेशनल पोस्टिंग हमारी आ रही है तो दैट इट सेल्फ इज ए मोटिवेशन फैक्टर तो अपने जो इंप्लाइज हैं उनको जो प्रामिस आपने किया कि येस वी विल बी सेंडिंग यू टू अदर कंट्रीज एंड यू विल गेट द इंटरनेशनल एक्सपोयर It is not only financially beneficial, but the more important thing is you can have the international exposure and it will be also good learning for that person who is going there. So, this is another advantage, and people think that they are the best people to do the job. Okay. But, there are disadvantages. Adaptation to the host country may take a longer time. He or she is used to our own culture, our own system. उ इफ नाउ यू इफ यू आर सेंडिंग हेम आर हर टू अदर कंट्री दैट इज अ डिफरेंट वॉल गेम वहां का तौर तरीके अलहद हो सकते हैं वहां की लीगल रिक्वायरमेंट डिफरेंट हो सकती है वहां का कल्चर डिफरेंट हो सकता है वहां के काम करने का स्टाइल डिफरेंट हो सकता है सो दैट मे बी ए प्रॉब्लम बिकॉज एडजस्टिंग आर एडाप्टिंग दैट न्यू कल्चर द होस्ट कंट्रीज जिसे कहते तोड़ तरीके दैट मे टे टेक लांगर टाइम और उस लांगर टाइम में यू दैट विल भी अपॉर्चुनिटी कास्ट ज़्यादा भी हो सकती है उसका नुकसान भी हो सकता है सिमिलरली वो जो यहाँ से आपने जैसे मैंने आपसे कहा कि वहाँ का स्टाइल वहाँ का काम करने का तौर तरीके डिफरेंट है तो इफ ए पर्सन इज गोइंग फ्रॉम योर पेरेंट कंट्री दी आर शी माइट गो देर एंड फोर्स द सेम टाइम ऑफ अप्रोच सेम टाइम ऑफ स्टाइल वर्क देअर एंड देट विल क्रिएट ए अन रेस एंड क्या इन योर ऑर्गेनाइजेशन देयर ये भी एक डिसएडवांटेज है और फिर फाइनेंशियली इट माइट बी एक्सपेंसिव क्योंकि जब आपने यहाँ से किसी को भेजना है तो ऑफकोर्स उनकी ट्रांसपोर्टेशन आने जाने का खर्चा हर साल में एक्स्ट्रा टिकट उसकी फैमिली की कंपनसेशन हेल्थ फैसिलिटीज इंश्योरेंस एंड सो मैनी अदर थिंग्स यू हैव टू कि टेक केयर ऑल दोज थिंग देट माइट भी एक्सपेंसिव सोलूशन सो कुछ डिसएडवाटेज भी हैं आगे चलते हैं इसके बजाय अगर आपने सोचा कि नहीं लेट्स हायर ए पर्सन फ्रॉम देयर एंड पुट हिम एज ए और हर एज ए मैनेजर इसके फायदे क्या हैं उसको वहाँ की लैंग्वेज और वहाँ का स्टाइल वहाँ का कल्चर नो मोर बैरियर्स जो कि पेरेंट आग जो नेशन था उसके साथ तो ये मसाइल थे उसको वहाँ की लैंग्वेज नहीं आ रही सही वहाँ का कल्चर उसको नहीं पता तो इफ यू आर हायरिंग ए पर्सन फ्रॉम द होस्ट कंट्री यस दैट इज़ अ प्लस थिंग ही आर शी ऑलरेडी नो द लैंग्वेज सिस्टम दे नो द पीपल देअर दे कैन हैव दिस लोकल काइंड ऑफ हेल्प देयर और लोकल जो है उसको एक पॉजिटिव साइन के तौर तो पर भी, भी जो कम्युनिटी है वो लेगी कि हमारे अपने लोग भी यहाँ काम करते हैं हायरिंग कास्ट आपकी कम हो जाएगी यू डोंट हैव टू पे दट एयर थिंग्स इवन रेजिडेंस फैमिली सिस्टम तो ये सारा कुछ शायद आप सेव कर सकें एन समाइम इन सम कंट्रीज दे नीड

नी काइंड ऑफ लीगल रिक्वायरमेंट टू वर्क देयर और जो आपकी मैनेजमेंट स्टाइल है वो बेहतर होगा डाइवर्सिफिकेशन का जो इफेक्ट है हमने बड़ी दफा डिस्कस किया दैट इज देयर लेकिन उसके अगेन देर इज समू इन देयर दैट इज डिस्डवाटेज आपका जो हेडक्वार्टर है जो आपका पेरेंट आपकी है उसका कंट्रोल और क्वारिनेशन कम हो जाएगी Because he or she don't know all of your system. So coordination or of course control ka phugdaan aapko nazar aayega isthra arrangements. Similarly, another disadvantage, if you are hiring a host country nation, so you are basically limiting the opportunity for your own employees, your own country people, that they should work, go, they can go abroad and work there. So that might be a disadvantage. चले दोनों को नहीं लेते ना पाक यहाँ से पाकिस्तानी किसी को हायर करते हैं ना वहाँ का होस्ट कंट्री किसी को हायर करते हैं किसी अच्छे एक्सपीरियंस थर्ड कंट्री के नेशन को लेते हैं जो ज़्यादा इफेक्टिव हो सकता है लेट्स सी व्हाट आर द एडवांटेजेस सैलरी एंड बेनिफिट्स रिक्वायरमेंट मे बी लोअर देन इवन पेरेंट कंट्री नेशन और होस्ट कंट्री नेशन वो किसी ऐसी कंट्री से हो सकता है जहाँ पर इतनी ज़्यादा लेबर कास्ट नहीं है सो so, वो सैलरी फाइनेंशली आपको बेनिफिशियल हो सकता है एंड देट थर्ड कंट्री नेशन जो है ही आर शी मे बी बेटर इन्फॉर्म एंड मोर कनेक्टेड देन योर पेरेंट कंट्री नेशन इफ यू आर सेंडिंग फ्राम पाकिस्तान लेट्स पोज उसका लिंक ज़्यादा अच्छा हो सकता है क्योंकि ही आर शी ऑलरेडी हैज़ द वर्क एक्सपीरियंस ऑन द इंटरनेशन अरिना सो दैट इज़ ए पॉजिटिव साइन बट दे आर सर्टन डिसएडवाटेजेस ये भी हो सकता है कि आप किसी थर्ड कंट्री ऐसी को लें कि जो उस होर्स कंट्री में एक्सेप्टेबल ही नहीं है अब कई दफ़ा हमारे यहाँ भी होता है कि यूएन किसी पाकिस्तानी को पिक करती है और लेट्स सी हमारे हमसाया मुल्क में भेजना चाहती है तो दे माइट रिफ्यूज कि नो वी डोंट वांट एनी पाकिस्तानी हियर सो दैट इज वन डिसएडवांटेज जो आपके लिए लिमिट क्रिएट कर सकता है एंड कभी कभी ऐसे भी होता है कि आपने किसी थर्ड कंट्री नेशन को वहाँ भेजा इवन जब उसका कंटैक्ट खत्म हुआ ही शी डोंट वॉन्ट टू लीव द कंट्री वहां पर कहीं गायब हो गए चले गए तो आपके लिए एक बैड रेपुटेशन उस कंट्री के अंदर बन गई कि ये लोग जो यहां पे रखते हैं बाद में गायब हो जाते हैं बाद में वो वापस जाना नहीं चाहते सो दैट कैन बी आल्सो ए डिसएडवांटेज सो लेट्स मूव टू लास्ट स्टेप ऑफ द हायरिंग प्रोसेस एंड दैट वॉज सोशलाइजेशन एंड व्हाट इज सोशलाइजेशन That is teaching the corporate culture and philosophies about how to do business. You have hired a new person. You have placed him/her in your organization. Now, you want to make sure sure that he or she already know the complete system. कैसे काम करना यहाँ पे? यहाँ का culture क्या है? यहाँ का philosophy क्या है? यहाँ के names क्या हैं? कौन क्या काम कर रहा है? इवन कि यहां की फैसिलिटीज कहां पर है यहां का कैफेटेरिया किधर है मास्क किधर है मस्जिद कहां है इवन लोगों को यह तक बताना पड़ता है कि यहां पर रिसेप्शन का एरिया किस साइड पे है आपके अकाउंट्स डिपार्टमेंट किधर है अगर आपने फोटो कापी करवानी है तो वह कहां से करवाई जा सकती है बिकॉज द थिंग्स आर मे बी डिफरेंट यू नो फिजिकल ले आउट लेटिंग दैम नो दीपल अराउंड देम एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली

तो उसके लिए बड़ा जरूरी है और आजकल हर ऑर्गेनाइजेशन कोशिश करती है कि जब नए लोग आए उनको ओरिए उसको कहते हैं ओरिएंटेशन ट्रेनिंग दी जाए सोशलाइजेशन में एक प्रोसेस आता है जिसको ओरिएंटेशन ट्रेनिंग कहते हैं इवन नाउ इट इज द यूनिवर्सिटीज एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन दे गो फॉर द ओरिएंटेशन पार्ट जब नए एडमिशन होते हैं तो उनको ओरिएंटेशन दी जाती है वेयर

और उनको अपना काम डिलीवर करने में कोई प्रॉब्लम ना हो लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड सी वट आर दब अबाउट सोशलाइजेशन वट वी रिज्यूम दैट वाई वी वॉन्ट टू गो फॉर सोशलाइजेशन क्योंकि ये देखा गया है कि अगर प्रॉपर उनको आप ओरिएंटेशन दे दें दे शुरू में उनको समझा लें उनको सिस्टम दें उनको लेट देम फील कंफर्टेबल उसे कहते हैं एक्लेमेटाइजेशन वहाँ पे उस एनवायरनमेंट में अपने आप को एडजस्ट करना तो नेचुरली उनकी परफॉर्मेंस अच्छी हो जाएगी ऑर्गेनाइजेशन की स्टेबिलिटी बढ़ेगी आपस में सोशल आस्पेक्ट बढ़ेंगे क्योंकि जब लोगों से मिलाएंगे उनको उनको बताएंगे कि ओके दिस इज योर बाज दिस दिस आर योर कोलीग वर्क जो जिनके साथ आपने काम करना है तो उनका आपस में एक नेचुरली एक सोशल प्रोसेस शुरू हो जाएगा एक अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाएगा वाई बिकॉज इट इज अगेन नेचुरल वैन यू आर एंटरिंग न्यू ऑर्गेनाइजेशन वैन यू रिपीट मीटिंग न्यू पीपल पीपल माइट हैव द एंगइाइटी कुछ थोड़ा सा कंसर्न होता है बंदा घुटा घुटा सा होता है तो लेट दम ओपन लेट दम फील फ्री सो दैट दे शुड नाउ फोकस मेनली ऑन देअ वर्क एंड फॉर देट पर्पज ऑर्गेनाइजेशन गो फॉर द प्रॉपर ओरटेशन प्रॉपर सोशलाइजेशन प्रोसेस और ये आप वैक्यूम में नहीं कर सकते यहाँ पे आप उन लोगों को इन्वॉल्व करना है लोगों के साथ मिलाना है और ये कैसे किया जा सकता है यस ओरिएशन ट्रेनिंग से सम ऑर्गेनाइजेशन मे हैव ए फॉर्मल कंप्लीट ओरिएंटेशन ट्रेनिंग जिसमें जो मेन लोग होते हैं मेन फंक्शनरी होते हैं दे विल कम एंड गिव प्रॉपर ट्रेनिंग टू न्यू एम्प्लॉइज न्यू वर्कर्स उनको बताया जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन बनी कैसे थी मेन इसका मिशन क्या है एंड हाउ दे आर डूइंग दिस क्या क्या डिफरेंट सेटअप ऑर्गेनाइजेशन वहां पर हैं एंड हाउ दे आर

कि सारी आइडेंट नोक दिया इस तरह भी होता है तो इसमें लीगल प्रोटेक्शन भी ऑर्गेनाइजेशन की बट द सेम टाइम यू वांट टू मेक श्योर कि द न्यू पर्सन दे आर कमिंग दे मस्ट फील कंफर्टेबल आप कंप्यूटर को कितनी आसानी से यूज करते हैं कितनी अच्छी तरह आप उसको इस पे सारा काम कर सकते हैं बट आई एम श्योर इफ यू गो टू योर फ्रेंड होम इफ़ यू हैव ए चांस टू वर्क एन आने दर कंप्यूटर आपको इवन इतने इतने अच्छे से काम करते हुए भी फिर भी आपको थोड़ी सी झिझक होती है थोड़ी सी रिजिस्टेंस होती है कि इसको कैसे ऑन करना है इसको कैसे चलाना है और वो जब आप उसको यूज़ कर रहे होते हैं यू माइट बी फीलिंग सम डिफिकल्टीज इन बिगिनिंग तो लॉजिक सी लॉजिकल बात है कि जब नए लोग नए वर्कर आपकी आर्गनाइजेशन के अंदर आए हैं तो उनको भी थोड़ी सी वो एंग्जाइटी वो हिझिझक जिसे कहते हैं वो होगी उसी को ओवरकम करने के लिए यू गो फॉर दिस ओरिएंटेशन पार्ट सो दैट वो जल्दी ही थोड़े टाइम के अंदर ही वो सारी चीज़ों को उसको बता दिया जाए बजाय कि वो खुद अपने स्टाइल से सीखता पूछता फिर या पूछती फिर है वॉट एल्स कैन डू इन दग्नाइशन फॉर द सोशलाइजेशन ऑफ न्यू एम्प्लाइज वेलकम पार्टी यस, वेरी इफेक्टिव टूल फॉर सोशलाइजेशन जब भी नए लोग आते हैं उनको ऑर्गेनाइजेशन वेलकम कहती है एंड दैट वेलकम पार्टी आर वेलकम एक्टिविटी इटसेल्फ सेल्फ इज ए वेरी बिग सोशलाइजेशन एक्टिविटी वो जितना इनफॉर्मल होके आपस में और उसका मुराल भी नए लोगों का हाई होता है कि सी दे है They are welcoming us. They have taken pain to arrange such a party for us. This is again a moral boosting and plus initiating the social activities, the seeing each other, knowing each other, so that they should work like a team. So, welcome party is also a tool organization use for this socialization process. जॉब रोटेशन एन अदर वे ऑफ सोशलाइजेशन ये लोगों को रोटेट कराया जाता है उसको जॉब रोटेशन कहते हैं रोटेट डजन मीन के उसको एक पहिए चढ़ा के रोटेट किया नहीं उनको मुख्तलिफ जो एक्टिविटीज हो रही हैं वहां पर भेजा जाता है कि ओके दे शुड गो एंड वर्क देयर फॉर समाइम अमूमन डेक्स में आपने देखा होगा कि जब नए लोग आते हैं तो कुछ दिन इवन विद इन द सेम ब्रांच उनको कैश पे बिठा दिया जाता है दूसरे दिन उनको वो जो टोकन देते हैं वहां पे बिठा दिया जाता है तीसरे दिन उनको जो फॉरन एक्सचेंज का अकाउंट होता है वहां बिठा दिया जाता है इवन विद इन वन ऑर्गेनाइजेशन कुछ दिन आपको अकाउंट्स डिपार्टमेंट भेज दिया जाएगा कि ओके सी हाउ पीपल वर्क देयर कुछ दिन उसको प्रोडक्शन पे भेज दिया जाता है लाइन जा आपके देखें काम कैसे हो रहा है ताकि वो सारे सिस्टम को ही शी शुड हैव बिग पिक्चर क्लियर इन हिज आर कि कितना इंपॉर्टेंट उनका रोल है क्योंकि उसका जो अपनी एक्टिविटी जॉब है वो उससे कौन कौन सी चीजें लिंक हैं और किस तरह उसका अपना काम बाकी जो ब्रॉडर स्पेक्ट्रम है उस ऑर्गेनाइजेशन का उस पर पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट कर सकता है और उसको फिर कन्वीनियंट होगी अपने काम करने में भी उसको पता है कि कहाँ से मैंने लेट्स सी इफ इज इनवाल इन प्रोडक्शन कि रॉ मटेरियल कम हो जाए तो क्या करना है किससे बात करनी है अगर कुछ प्रॉब्लम आ जाता है वर्किंग में किससे बात करनी है होम इज रिस्पांसिबल एंड हु इज हुपांसिबल टू हिम और हर सो दो थिंग गेट क्लियर वन पीपल गो अराउंड एंड ऑर्गेनाइजेशन डू द जॉब रोटेशन फॉर न्यू एम्प्लॉइज वट एल्स कैन ऑर्गेनाइजेशन डू फॉर दिस सोशलाइजेशन Let's, let's see, let's सी इफ वी हैव समथिंग एल्स On जॉब ट्रेनिंग ये भी एक टेक्निक्स है टेक्निक में से आती है जो अग्निशन यूज करती हैं अपने employees को socialize करने के लिए कि दे अटैच them, द the न्यू employees, विद द existing वर्कर्स किसी एक मेंटर किसी एक सीनियर के साथ उसकी ड्यूटी लगा दी जाती है कि साथ साथ उसकी ट्रेनिंग भी हो रही है साथ साथ उसकी सोशलाइजेशन प्रोसेस भी हो रहा है साथ साथ वो तो ऑर्गेनाइशन को समझने की भी कोशिश कर रहे हैं सेम टाइम दे आर लर्निंग द वर्क एथिक्स द नॉर्म्स और वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड सो ऑन इसके अलावा भी शायद आप टेक्स्ट, अपनी बुक पढ़ेंगे तो उसमें काफी सोशलाइजेशन और या पर्टिकुलरली ऑरिएंटेशन के अंदर बहुत सारी चीजें आपको वहां पर मिलेंगी सो ओरिएंटेशन जो है उसमें क्या करते हैं आप ओरिएंट करते हैं नए लोगों को यू डायरेक्ट हैं क्या डायरेक्ट करते हैं कि क्या रूल रेगुलेशन हमने फॉलो करने हैं क्या प्रोसीजर है टाइम की पाबंदी कैसे करनी है किस वक्त आना है किस वक्त जाना है अगर यह चीज हो जाए तो क्या करना है अगर यह चीज हो जाए तो क्या करना है एंड गाइड एम्प्लॉइज टू अंडरस्टैंड वर्क The organization or firm itself, colleagues and of course the mission of the organization. The more he or she will be clear, the better they will be adjusted in that new environment. The more comfortable they will be feeling of working in new organization. Just imagine that if you are given a chance to work in any organization and nobody is talking with you and you are just sitting on a new table and you have been told that okay this is your place. ये आपकी कमरा है यहां पे बैठ के आपने काम करना है ना वट टू डू नेक्स्ट देन यू विल डू हिट एंड ट्राई एंड दैट विल बी प्रॉब्लमेटिक तो उसके बजाय अगर आपको बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती है बाकायदा आपको सिस्टम समझाया जाता है तो डोंट यू थिंक दैट इज इजी इवन वेरी सिंपल बेसिक थिंग आपको भूख लगी है तो कहां से खाना खाएंगे जाकर चाय कहां से मिलती है वॉशरूम किस साइड पे है दैट रीजन फोटो कॉपी करवानी है वह कहां से करवाएंगे अगर पेपर खत्म हो गए कागज आपके पास काम कर रहे हैं तो वो कहां से लेंगे आप तो ये छोटी छोटी चीजें भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं एंड हाउ यू थिंक इफ यू हैव टू आस्क फॉर आई इवन स्मॉल माइन्यूट थिंग्स के लिए भी लोगों से पूछता फिर ना पड़े तो उसके बजाय देन अग्निशन वर्ट दे डू बेसिकली आर दे रेंज ऑल सच थिंग्स सच एक्टिविटीज फॉर यू

हायरिंग प्रोसेस एंड पर्टिकुलरली द सोशलाइजेशन सॉरी द सेलेक्शन प्रोसेस नॉट कम्प्लीट इ कम्प्लीट हायरिंग बिकॉज वी स्टिल हैव टू गो थ्रू सम पार्ट ऑफ द सोशलाइजेशन इन नेक्स्ट एक्शन थोड़ा सा आज इसको समराइज करते हैं क्विकली आज हमने बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन पार्ट पढ़ा सेलेक्शन प्रोसेस का फिर हमने कंडीशनल जॉब ऑफर की बात की एंड देन वी डिस्कस अबाउट द फिजिकल एग्जाम एंड ड्रग टेस्ट और उसके बाद फिर यस yes, परमानेंट ऑफर परमानेंट जॉब की बात की उसको एंड पे कैसे किया जाता है एंड देन वी आल्सो डिस्कस के हाउ टू सेलेक्ट ए मैनेजर एंड देयर वी हैव डिस्कस थ्री टाइप्स लाइक होस्ट कंट्री नेशन पेरेंट कंट्री नेशन एंड थर्ड कंट्री नेशन और लास्ट पे हमने सोशलाइजेशन प्रोसेस को शुरू किया है ये क्या चीज है क्यों की जाती है तो वट इज नेक्स्ट एंड ऑफकोर्स विल कंटिन्यू सोशलाइज़ेशन प्रोसेस और थोड़ा सा फोकस क्योंकि ओरिएंटेशन को हम ओरिएंटेशन ट्रेनिंग भी कहते हैं और आगे आने वाले टॉपिक्स हमारे ट्रेनिंग से रिलेटेड हैं तो इसको थोड़ा सा हम कवर करने की कोशिश करेंगे अगले लेक्चर के लिए तो यहाँ पे रोकते हैं तो अब आपका सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर हो जाना चाहिए क्योंकि लास्टर से हम इसी ओरिएंटेशन और सिलेक्शन प्रोसेस को डिस्कस कर रहे हैं तो आपने उसके लिए अपने बुक को भी पढ़ा होगा नोट्स भी पढ़ रहे होंगे और लेक्चर्स को भी और से सुना होगा अगले टॉपिक के लिए ज़रूर पढ़िए मेहनत कीजिए और फिर समझना आसान हो जाएगा थैंक यू वेरी मच एंड अलैकुम